दर्पण, आज मैं आपको प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ व्यंग्य इसके सारांश के बारे में बता रही हूँ। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएँ। तो यह जो हमारा पाठ है वो समाज में जो दिखावे की अभी जो प्रवृत्ति फैली हुई है उस पर एक व्यंग्य करता है और यहाँ पर प्रेमचंद जी जो हैं वो एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए हुए हैं, फ़ोटो शूट करवाने के लिए गए हुए हैं, जिसमें उनके फटे हुए जूते जो हैं वो लेखक देखता है और लेखक जब उनके फटे हुए जूते देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और फोटोग्राफर ने तो क्लिक कर दिया होगा, लेखक ये सोचता है, लेकिन जब प्रेमचंद जी का उन्हें मुस्कान में दर्द दिखाई देता है तो उनकी बात जो है वो कहते हैं कि बीच में ही रह गई होगी जो वो कहना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया कि प्रेमचंद जी सिर पर टोपी पहने हुए थे, कुर्ता धोती और जो है फटे हुए जूते पहने हुए थे। उनके पाँव में जो जूते थे वो बेतरतीब तरीके से बंधे हुए थे, उसमें कोई भी तरतीब नहीं थी, यानी तरीका नहीं था, और एक जो जूता था उसमें जो फ्रंट की उंगली थी वो भी पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। जब फटे हुए जूते वाली फ़ोटो उन्होंने देखी लेखक ने, हरिशंकर परसाई जी ने, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ इस बात पर कि एक इतना बड़ा लेखक किस प्रकार से फटे हुए जूते पहन करके फ़ोटो खिंचवा रहा है। यह देखकर उसे चिंता होने लगी, किसकी, प्रेमचंद जी की चिंता उसे हुई और उसने सोचा कि जब फ़ोटो खिंचवाते हुए यह इस प्रकार की पोशाक पहन रखी है इन्होंने तो वास्तविक जीवन में ये क्या पहनते होंगे, यानी इससे भी पुराने कपड़े पहनते होंगे। फटे जूतों का उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। प्रेमचंद जी ने जब फोटो सेशन करवाया तो उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास जो था वो लेखक को दिखाई दिया। यहाँ पर प्रेमचंद के चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें व्यंग्य छिपा हुआ था। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया, यानी कि उसके फटे हुए जूते देखकर उसे यूँ लग रहा है कि उसे तो कम से कम फ़ोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर उसे एहसास हो रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उनकी पत्नी ने कह दिया होगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए वो मजबूरन फ़ोटो खिंचवाने को तैयार हो गए होंगे। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर बहुत दुखी होता है, यानी उनके फटे हुए जूतों को देखकर उसे बड़ा दुख होता है। वह रोना चाहता है ये देखकर कि किस प्रकार से प्रेमचंद अपना जीवन जी रहे हैं, अभावों से ग्रस्त जीवन जो है जी रहे हैं, लेकिन वह रो नहीं पाता है और प्रेमचंद की आंखों में जो दर्द उसे दिखाई देता है उसे रोने से रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग जो हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए पता नहीं कहां कहां से सामान मांग करके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी में ऐसा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर वह कहता है कि लोग तो जो जिनकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं होती है, वो गंदे व्यक्ति जो होते हैं वो फ़ोटो में इत्र लगा करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिससे कि उनकी फ़ोटो में इत्र की खुशबू आए, लेकिन ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता है, केवल व्यंग्य के लिए हरिशंकर परसाई जी ने ये बात बोली है। लेखक खुद के जूते के विषय में भी फिर सोचने लग जाता है। जब प्रेमचंद जी का जूता देखता है फ़ोटो खिंचवाते वक्त तो उसे खुद के जूते का ध्यान आता है और फिर वो कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है और उसके जूते का तला भी घिसा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी राइटर्स हैं वो उनकी दशा उस समय पर हम ये कह सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं थी और उनकी इनकम जो थी वो इतनी कम थी कि वो अच्छे जूते भी नहीं खरीद पा सकते थे। इसलिए अब लेखक क्या कहता है कि फटा जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी भी नहीं खिंचवाएगा। अगर उसके सामने ऐसी नौबत कभी आ गई कि उसे फटा जूता पहन करके फ़ोटो खिंचवानी पड़ जाए तो वो तो कभी भी नहीं खिंचवाएगा। फिर उसका ध्यान जो है उनकी हंसी की तरफ चला जाता है, व्यंग्य की जो हंसी हंस रहे थे उसकी तरफ चला जाता है और फिर वो सोचते हैं कि ये जो इनकी रहस्यमय हंसी है, इस हंसी के भीतर एक मिस्ट्री उन्हें नज़र आती है, तो इसके पीछे भला क्या रहस्य
होगा। वो फिर सोचते हैं कि उनके साथ कुछ हादसा हो गया होगा तो इसलिए फिर ऐसा हुआ होगा, या फिर कोई मर गया होगा, या हल्कू का खेत नील गाय चर गई, या फिर घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी का कफन बेच करके शराब पी गया होगा, ऐसा लेखक सोचते हैं। लेखक को फिर याद आ गया कि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। ये सब जो हैं कैरेक्टर, ये प्रेमचंद के कैरेक्टर्स हैं। तो लेखक व्यंग्यपूर्वक ये बातें बोलता है कि लेखक जो है वो ये कहता है कि प्रेमचंद के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ऐसी ही दशा में रहते थे। लेखक को फिर ये बोध हुआ, ज्ञात हुआ, उसे लगा कि शायद प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे, तभी उनका फ्रंट का जो जूता है वो घिस गया होगा। वे रास्ते में खड़े टीले से बचने की अपेक्षा, रास्ते में यानी उनके जो कठिनाइयाँ थी उससे हटकर निकलने की अपेक्षा उसको ठोकर मारते होंगे, इसलिए जूता टूट गया होगा, क्योंकि वे कोई भी समझौता नहीं कर सकते थे। जैसे गोदान का होरी जो था, गोदान एक प्रेमचंद का यहाँ पर उपन्यास है, उसमें होरी जो व्यक्ति है वह नेम धर्म नहीं छोड़ सकता था, यानी कि अपने जो उसके नियम थे, उसूल थे जिंदगी के, उसके कुछ ऐसे नियम थे उसको वह नहीं छोड़ सकता था। उसी प्रकार से प्रेमचंद जी खुद भी तो अपने जीवन का नेम धर्म नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि वो गलत तरीके से इनकम नहीं कमा सकते थे। यह उनके लिए मुक्ति का साधन था, यानी अपने नियमों पर बने रहना प्रेमचंद के लिए मुक्ति का साधन था। और प्रेमचंद की जूते से बाहर निकली उंगली उस वस्तु की ओर संकेत कर रही थी जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़ लिए थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे थे जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं, यानी कि लगातार कोशिश करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से अंगुली को बचाएं, यानी जूते खरीदें, अच्छे जूते खरीदें, और उसके लिए ही अपने जूते घिसाए जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक स्वयं पर भी व्यंग्य कर रहा है कि तला तो उसका भी घिसा हुआ है जूते का, तो यहाँ पर लेखक खुद की भी बात कर रहा है। लेखक ने कम से कम अपना पांव तो बचा लिया, यानी कि तला तो घिस गया लेकिन पांव बच गया, परंतु लोग तो दिखावे के कारण तलवे का भी नाश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से हम समझेंगे इस चैप्टर में जो छोटी सी चीज़ है जूते की, जो उंगली उससे बाहर दिखाई दे रही है, उस पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य लिखा गया है। और जो तात्कालिक जो लेखक थे, लेखक समाज था, हिंदी का लेखक समाज था, उस पर व्यंग्य किया गया है। दिखावे की जो प्रवृत्ति अभी समाज में चल रही है उसके लिए भी यहाँ पर करारा व्यंग्य है। और यहाँ इस कथन में जो ये अभी मैंने आपको बताया था इत्र लगाने वाला, उसमें अपनी छवि को, बुरी से बुरी छवि को सुंदर बना करके पेश करने की जो प्रवृत्ति अभी चल रही है, काफ़ी सारे सौंदर्य प्रसाधन व्यक्ति लोग यूज़ करते हैं और अपने हर काम को दूसरे जो है नहीं, वास्तविकता जो है नहीं, उससे अलग दिखाने की कोशिश जो है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, दिखावा की प्रवृत्ति, दिखावे का प्रभाव जो है वो समाज में चल रहा है। और यही चीज़ें जो हैं इन्होंने अपने व्यंग्य का जो है उसको व्यंग्य के लिए प्रयोग किया है। और प्रेमचंद जी फोटो का कोई महत्व नहीं समझते थे, उन्हें नहीं पता था कि जो फटा हुआ जूता है वो उनकी फ़ोटो को सुंदर नहीं बनाएगा बल्कि उसे कुछ ख़राब बना देगा। और अगर बात करें उस समाज की, उस समय के समाज में तो वहाँ पर टोपी पहनी जाती थी, सिर के ऊपर एक कैप पहनी जाती थी, और जो लोग कैप पहनते थे उनका सम्मान किया जाता था समाज में। तो प्रेमचंद की आर्थिक दशा भी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिखाई देगी कि वो थोड़े आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं थे। फिर हम बात करें पाठ की भाषा की, तो भाषा अत्यंत सरल है, सहज है और विषय के अनुकूल है। व्यंग्यात्मक शैली का इस पाठ में लेखक ने प्रयोग किया है, हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पर यह लेख लिखा है। फिर उन्होंने खुद के जूते पर भी, मैंने जैसे कि पहले बताया, उस पर भी व्यंग्य किया, और खुद की आर्थिक दशा का भी यहाँ पर वह वर्णन कर रहा है। उसमें आर्थिक दुर्दशा जो है उस पर पर्दा डालने की जो लेखक कोशिश कर रहा था उस पर भी यहाँ व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर प्रेमचंद की नैतिकता भी आपको इस पाठ में स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। नैतिकता में वो
अपना जो उसका धर्म है उसको पालन करने में विवश नहीं है, यानी कि मजबूर नहीं है कि वो सामाजिक नियमों का पालन करे या नेम धर्म का पालन करे, बल्कि वो तो उसकी खुशी से वो स्वीकार करता है, उसे आनंद होता है कि वो अपनी जीवन शैली को इस प्रकार से बना करके रख रहा है। यहाँ पर भी हम अगर बात करें, यहाँ देखो नेम धर्म का पालन जो होता है किसी के दबाव में आकर के नहीं किया गया है, अपितु अपनी इच्छा से अपने सुख चैन के लिए किया गया है। और जंजीर यहाँ पर किसे बताया है? जंजीर नेम धर्म को बताया है। जंजीर का मतलब होता है बंधन या बाधा करना किसी को। होरी जो होता है नेम धर्म का पालन इसलिए करता था ताकि उसे कोई अनैतिक ना कहे, इसलिए नेम धर्म उसके लिए क्या था? एक जंजीर के समान था। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी खुद स्वतः है अपनी इच्छा से ही नियम धर्म का पालन करते हैं। इस पाठ का मैंने आपको जो है समरी और व्याख्या, कुछ भी आप इसे कह लीजिए, समझाने की कोशिश की है। मैं इसे समझाने के लिए जब मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हूँ जो केवल समझाने के लिए होते हैं, आप उन्हें लिखित भाषा में प्रयोग ना करें। जब आप किसी भी प्रश्न का लिखित रूप से जब आप लिखते हैं तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, मात्राओं का ध्यान रखें, साथ ही जो शब्द हैं वो शुद्ध हिंदी के आप अपना उत्तर लिखने में प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में बढ़ जाएंगे। और अगर आप संस्कृत साथ में पढ़ रहे हैं तो ये संस्कृत तो आपको हिंदी में बहुत योगदान करने वाला है, क्योंकि मैंने भी संस्कृत हिंदी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी बहुत पढ़ा है। वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था 9th-10th में, और मेरा बेटा जो पढ़ता था तो मैंने आपके लिए भी वीडियो बना दिए, तो मैंने सोचा बना देते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। बेल बटन का तो आपको पता ही होगा, प्रेस करना होता है। इसके अलावा मैं इस पाठ के आपको प्रश्नोत्तर, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर अभी पढ़ना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जब भी मुझे टाइम होगा तो मैं वो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके पब्लिश करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।